बात मित्रों, क्लास 12th के अनिवार्य हिंदी सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति किसे कहते हैं? विज्ञप्ति अखबारों में आपने देखा होगा, अखबार भरे रहते हैं, जैसे निविदा आती है, विज्ञप्ति आती है, अधिसूचना आती है, ज्ञापन आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अलग से कैप्शन में होती है सारी, है ना। तो इनको अखबार में आप देखा करेंगे ये क्या होती है, और अपने कोर्स में भी ये चीज़ है। यह पत्र और प्रारूप लेखन एक दो अंकों का आयदा आता है, उसके अंतर्गत आती है कि या तो वो पत्र पूछ लेंगे परीक्षा में, या फिर वो क्या करेंगे कि या तो विज्ञप्ति देंगे, या ज्ञापन देंगे, या अधिसूचना देंगे, इस तरह की कोई चीज़ देंगे तुमको। तो उसको हमें करना है, हमें करना कुछ नहीं है। वहाँ पर वो लिखे हैं, ये लिखा आएगा, इसका जो क्वेश्चन है कि एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए जिसमें ये सब्जेक्ट दे रखेंगे, इस सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञप्ति तैयार कीजिए। इस तरह से विज्ञप्ति हमारी तैयार होगी। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से विज्ञप्ति बनती है और किस तरह से विज्ञप्ति को बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम विज्ञप्ति। विज्ञप्ति किसे कहते हैं? सरकारी या गैर सरकार विभाग, सरकारी मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट विभाग, अपने किसी निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं को जनसाधारण तक पहुँचाने हेतु जो आदेश दे उसे विज्ञप्ति कहते हैं। और यह विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होना जरूरी है ताकि सभी आम जन तक यह चीज़ की जानकारी सारी पहुंच सके। तो वापस एक बार पढ़ लो, ध्यान से देखना। सरकारी या गैर सरकार विभाग अपने किसी निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु जो आदेश दे उसे विज्ञप्ति कहते हैं। ये हमारे एक फॉर्मेट है, एक एग्जाम्पल दिया है। और विज्ञप्ति आप अपने पासबुक में, बुक में आप देखना कि किस तरह से होती है। तो एक खाली समझा रहा हूँ यहाँ पर, उससे संबंधित सारी होगी, है ना। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है, उसने अपनी एक विज्ञप्ति जारी की है अजमेर से। सबसे पहले तो वो अपने नंबर डालेगा, ये नंबर कहलाते हैं डिस्पैच नंबर, जावक नंबर। जावक का मतलब होता है उनके ऑफिस से यह विज्ञप्ति निकली है। कौन से नंबर से निकली है? 347 नंबर से। दिनांक क्या है इसकी? 3/9/2020। जिस दिन निकलती है उस दिन का डिस्पैच नंबर आ जाता है और उसकी दिनांक आ जाती है। फिर आता है विज्ञप्ति। क्या कह रहा है विज्ञप्ति, देखिए। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए बीकॉम की लिखित परीक्षाएं 15 सितंबर से आयोजित हो रही है। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र व समय विभाग चक्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो भी जिसने भी है उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे, और परीक्षा नियंत्रक है वो, जो भी आदमी इसने ये जो विज्ञप्ति जारी की है वो है परीक्षा नियंत्रक। तो इस तरह से हमें पता चल गया। अब क्या है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। अखबारों में हमने देख लिया कि ये वांट्स आ गई इसकी, क्या आई है कि बीए बीकॉम की परीक्षाएं आरंभ हो रही है। तो बच्चे जाओ और वेबसाइट से, स्कूल ये कॉलेज की जो वेबसाइट है, इससे डाउनलोड प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लो, अपने टाइम टेबल को डाउनलोड कर लो। तो इस तरह की सूचना इन्होंने दे दी है। कल को ये नहीं कह सकते बच्चे कि हमें कोई सूचना नहीं मिली। सूचना इस तरह से अखबारों में, प्रमुख अखबार समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो जाती है। तो यह होती है विज्ञप्ति। इससे हमको पता चल जाता है कि कैसे किस चीज़ को निर्धारण किया जाता है, कैसे किस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो यह प्राय मतलब अखबारों में, समाचार पत्रों में यह विज्ञप्तियाँ निकलती है। तो आप लोग भी जब आपके समाचार पत्र घर में आते हैं तो इन चीज़ों को जरूर देखना कि किस तरह से इसका निर्धारण करते हैं, किस तरह से ये बनती है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे उसमें अधिसूचना देखेंगे, ज्ञापन देखेंगे, और सबसे बड़ी बात निविदा सूचना को भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।